चलिए शुरू करते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लूसिल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, एंशियस। नेवर्थलेस, हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, वॉट इज द मैटर विथ यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। अब क्या होता है कि जब उसका हस्बैंड जो रहता है वो 400 फ्रेंड्स उसको दे देता है कि चलो तुम्हारे पास पार्टी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है तो तुम कोई अच्छी सी पार्टी वेयर ड्रेस क्या कर लो, सिला लो। और जो मैडम ल्यूसिल रहती है वो भी क्या करती है, एक अच्छी सी पार्टी वेयर ड्रेस बनवा लेती है। अब क्या होता है कि वो जो पार्टी का दिन था वो भी क्या होता है, आने वाला था, कुछ ही दिन शेष रह जाते हैं। उस समय जो मैडम ल्यूसिल रहती है, मटिल्डा रहती है, वो कैसी दिखाई देती है? उदास दिखाई देती है, परेशान दिखाई देती है, चिंता में रहती है। अब उसको उदास, परेशान और चिंतित इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी जो ड्रेस है वो क्या हो गई थी, वो तो बन गई थी, वो लगभग बन चुकी थी। उसके पति कहते हैं एक दिन, एक शाम को उसके पति कहते हैं कि अरे अब क्या मैटर हो गया, अब क्या बात हो गई, तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। मैं लास्ट 2 or 3 days से देख रहा हूँ कि तुम बहुत विचित्र प्रकार के व्यवहार कर रही हो, ऐसा क्यों? अब तो तुम्हारे मन की ड्रेस भी सिल गई है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विथ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब वो क्या कहती है, अब ड्रेस तो सिल गई, अब वो क्या कहती है, वो क्या रिस्पॉन्स करती है कि मैं दुखी हूँ। मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, कोई अच्छी सी ज्वेलरी जो है, ज्वेल है वो पहनने के लिए, कोई आभूषण मेरे पास पहनने के लिए नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं अपने आप को डेकोरेट यानी सजा सकूँ। मतलब वो ड्रेस तो सिंपल पहन लूँगी लेकिन मेरे पास कोई भी ढंग की ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं खुद को व्यवस्थित और सजी सवरी महसूस कर सकूँ। I shall have such a party stricken look. और मैं सिंपल ड्रेस बस पहन के कैसी लगूंगी, एक पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब एक गरीब बेचारी महिला टाइप की लगूंगी जिस पर ड्रेस तो है लेकिन वो प्रॉपर रिच लुक नहीं देगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ, मैं अब इस पार्टी में जाना नहीं चाहती। He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. तब उसका हस्बैंड बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई महंगी आभूषण नहीं है तो तुम क्या करो, कुछ भी जो नेचुरल फ्लावर जो फूल हैं उनसे बनी हुई कोई चीज़ अच्छे से तुम पहन सकती हो या उसको लगा सकती हो अपने बालों में या अपने उसमें। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक मतलब एलिगेंट लगेंगे और फैशनेबल लगेंगे। तो बोले इस सीजन में तो ये नेचुरल फ्लावर से अगर तुम कुछ ज्वेल टाइप का पहनोगे तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। अब आगे क्या कहती है मटिल्डा, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. अब वो कहती नहीं नहीं, वो उसकी बात से, उसको अपने हस्बैंड की बात से वो सहमत नहीं होती है। वो क्या कहती है, नहीं नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और ये बहुत शर्मनाक स्थिति होगी कि मैं वहाँ पर इतनी रिच महिलाओं के बीच में जा करके एक अपनी एक पुअर सी परफॉर्मेंस दूंगी, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। Then her husband cried out, how stupid we are, go and find your friend Madam Forrester एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। तो कहते अरे देखो हम सब कितने कैसे हैं, स्टूपिड है, मूर्ख से हैं, जाओ तुम अपनी जो तुम्हारी फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर उसके पास जाओ और तुम उसके पास से कोई अच्छी सी ज्वेल ले सकती हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। अब जब किसी को कोई आइडिया नहीं मिलता और कोई अच्छा सा आइडिया सामने आ जाता तो लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही मटिल्डा को जब उसके हस्बैंड ने यह आइडिया दिया कि तुम अपनी फ्रेंड से जाके ले लो ज्वेल, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ ये सही बात कही आपने, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो कहाँ जाती है, अपनी सहेली के यहाँ जाती है, अपने दोस्त के यहाँ जाती है और अपनी जो पेन जो दर्द उसको था, ये जो परेशानी थी इससे रिलेटेड पूरी कहानी उसको बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बॉट इट, ओपन्ड इट एंड सेड, चूज माई डियर। और इतनी सी बात सुनकर के उसकी जो फ्रेंड रहती है मैडम फॉरेस्टियर, वो अपने क्लोजेट अलमारी खोलती है और उसमें से एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकालती है और ले आकर के खोल के उसको कहती है, चूज इट माई डियर, अब तुम इसमें से कुछ भी पसंद कर लो। शी सॉ अ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। अब वहाँ पर वो देखती है तो कुछ ब्रेसलेट ट्राई करती है जो हाथ में पहने जाते हैं, कॉलर ऑफ पल्स यानी मोतियों की बनी हुई माला देखती है जो,
और जिस जो कैसी थी, वेनिस सिटी से जो उसका प्रमुख आर्ट था वो वेनेशियन स्टाइल की माला रहती है, और वो एक क्रॉस देखती है जो गोल्ड और ज्वेल्स का रहता है, जिस पर बहुत ही उम्दा कारीगरी करी रहती है। वो सब चीज ट्राई करती। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइडेड टू टेक देम और नॉर लीव देम। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो आईने के सामने, मिरर के सामने क्या करती है, सारी ज्वेलरी को पहन पहन के देखती है, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेटेड हो जाती है, निराश टाइप की हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं तय कर पा रही थी कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, कौन सी ज्वेलरी रखूँ, क्योंकि इतना सारा था उसके पास ऑप्शन कि वो कन्फ्यूज हो जाती है। तो कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। तो उसकी जो फ्रेंड रहती है वो कहती है, नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, ये सब कुछ रखा हुआ है, अब मुझे ये नहीं पता कि तुमको क्या अच्छा लगता है इसमें से। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपरब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस। अब वो क्या करती है, अचानक से उसको काले रंग का एक सेटिन कपड़े से लगा हुआ बॉक्स मिलता है, उसको वो खोलती है तो उसमें एक बहुत प्यारा सा हार रहता है जो डायमंड्स यानी हीरों का रहता है। जब वो ये हार निकालती रहती है तो उसके हाथ ट्रेम्बल यानी शेक कपने लगते हैं इतना महंगे हार को देख करके। वो निकालती है और अपने गले में उसको पहनती है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसको बहुत अच्छा लगता है उसको पहन के। तब वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, हेजिटेट में तो उसको थोड़ा डर रहता है, पता नहीं उसकी फ्रेंड उसको देती है ये हार या नहीं देती। तो कहती है, क्या तुम मुझे ये दोगी, सिर्फ ये दे दो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, वाई यस सर्टेनली, मैं तुमको जरूर निश्चित रूप से ये हार पहनने को दे दूंगी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। अब यहाँ पर जब उसकी फ्रेंड बोल देती है कि हाँ तुम ये हीरो का हार ले लो और पहन लो, तो बड़ी खुश हो जाती है, उसका मन जो है बहुत खुश हो जाता है और वो उसके गले लग जाती है अपनी फ्रेंड के। और उसके बाद वो अपने ट्रेजर, ट्रेजर ये हीरो का हार उसके लिए क्या रहता है, मटिल्डा के लिए किसी खजाने से कम नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती समझती है वो उसको, तो वो उस हार के साथ बहुत ही खुशी खुशी चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लूसिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड। अब एक बिल्कुल नेचुरल सी बात रहती है कि जब हम बहुत अच्छा तैयार होते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो हमारी क्या इच्छा रहती है कि हम वहाँ पर सबसे अलग दिखें, सबसे बढ़िया दिखें और सबसे हटके दिखें और सब लोग हमें नोटिस करें। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब ये मैडम लोसेल रहती है, वो अपनी अच्छी सुंदर ड्रेस पहनती है और वो अपना डायमंड नेकलेस पहनती है, तो जब वहाँ जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे उसकी विश रहती है एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीने की, तो वो सब सभी लोगों में से जितनी वुमेंस रहती है वहाँ पर उन सबसे अच्छी दिखती है। कैसी दिखती है, एलिगेंट यानी बहुत स्टाइलिश लग रही होती है, बहुत पोलाइट दिख रही होती है, स्माइलिंग बहुत खुशी खुशी और आनंद पूर्वक रहती है। जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर, जितने भी मैन, वो सब उसको नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं और सब उससे मिलना चाहते हैं। वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड मतलब वॉन्ट टू मीट हर, उससे मिलना चाहते हैं सब, वो इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। शी डांस विथ एंथुसियाज, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब यहाँ पर एंथुसियाज मैंने बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से ओत प्रोत खुशी के मारे, वो इतनी ज़्यादा खुशी खुशी बहुत अच्छे से डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशा, लेकिन यहाँ पर नशा वाइन या बियर का नशा नहीं, यहाँ पर उसकी खुशी, वो खुशी के मारे में क्या होती है, इतना उसको नशा जैसा रहता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब जब इतनी सुंदर लग रही होती है, उसको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी बहुत अच्छे से डांस करती है और उसकी खुशी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो पूरे समय अपने, मुझे लोगों ने इतना पसंद किया, मुझे इतने रिवॉर्ड मिले, मुझे लोगों ने इतना सराहा, ऐसा करके वो अपने आप को एक प्रकार से एक विजय सी महसूस करती है कि जो वो इतने दिन से चाह रही थी वो सारी सफलताएं उसको आज प्राप्त हो गई। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। Her husband had been half asleep in the one of the little salons since midnight, with three other gentlemen whose wife
वर एंजॉइंग देम सेल्फ वेरी मैन. अब वो अपने घर कब पहुंचती है, सुबह 4 बजे के लिए उनको निकलना रहता है. तब उसका जो पति रहता है वो 3 और लोगों के साथ वो सैलून यानी एक छोटे रूम में रेस्ट करता रहता है, और वहाँ पर उनकी जो 3 दूसरे लोग जो रहते हैं उनकी जो पत्नियाँ रहती हैं वो अभी भी आपस में बहुत एंजॉय करती रहती है, पार्टी एंजॉय करती रहती हैं. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरिड होज पावर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. अब यहाँ पर वो जो उसका हस्बैंड रहता है वो एक रैप, रैप क्या होता है जो गले के ऊपर अपने ड्रेसेस के ऊपर एक ओढ़ते हैं ना, वो उस टाइप का एक रैप उसके ऊपर फेंकता है जो कैसा रहता है, उसके कंधों पे आके गिरता है, लेकिन वो कैसा रहता है, बहुत सस्ता, बहुत चीप रहता है, जिसके कारण उसकी जो इतनी एलिगेंट बॉल कॉस्ट्यूम, जो इतनी प्यारा उसने अभी तक जो ड्रेस और वो सब पहना रहता है उसके साथ वो मैच नहीं करता. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और जैसे ही वो सस्ता सा एक रैप ओढ़ती है तो वो सोचती है मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ ताकि कोई भी दूसरी महिला मुझे सस्ते से रैप में ना देखे, क्योंकि वहाँ पार्टी में जितनी महिलाएं रहती हैं उनके जो रैप रहते हैं वो कहते रहते हैं अच्छे फर वाले, बहुत रिच माने बहुत महंगे रैप पहने ओढ़े हैं, और इसने क्या किया था, बहुत सस्ता सा रैप ओढ़ा होता है तो इसको जल्दी रहती कि मैं कितनी जल्दी पार्टी से बाहर चली जाऊँ. लॉसेल डिटेंड हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. अब जिसका हस्बैंड रहता है वो देख लेता है उसको, तो कहता है अरे रुको रुको, मैं कैब बुलाने वाला हूँ, मैं टैक्सी बुलाने वाला हूँ, हम उसके साथ चलेंगे. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस. अब वो क्या करती है, उसको लगता है कि कोई मुझे सस्ते से रैप में ओढ़ा हुआ ना देखे, इस कारण वो जल्दी जल्दी कहाँ आ जाती, सड़क तक आ जाती है, और वहाँ पर कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती है. आप वो क्या करते हैं, एक दूसरे और भी दूसरी दूसरी देखती हैं, दूर से आती हुई रहती, तो हेलियन ए कॉलिंग, तो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सबको रोकते हैं पर कोई भी रुकता नहीं है. दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिएजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल. आप क्या कहते हैं कि जब उनको कोई गाड़ी ही नहीं मिलती तो वो सब उस रिवर के बाजू से निकलते रहते हैं, और चूंकि 4 o'clock यानी मॉर्निंग समय रहता है उस समय ठंड बहुत ज़्यादा रहती है तो उनको आशा भी नहीं रहती कि कोई उनको गाड़ी मिलेगी, और शिवरिंग ठंड के मारे वो कांपते रहते हैं. आखिरी में उनको एक ओल्ड कैरी, एक पुरानी गाड़ी दिखाई देती है जिसको वो पेरिस में देखा करते थे, तो फाइनली उनको एक गाड़ी मिल जाती है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और जल्दी जल्दी उनको क्या होता है, जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं तो wearily बहुत थके हुए रहते हैं, अपने अपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं. It was all over for her. अब उसके लिए सब कुछ शांत हो चुका रहता है. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. तो अब ये जो मटिल्डा रहती है ये तो बिल्कुल खुशी में सराबोर रहती है, तो इसको सब कुछ भूल चुका होता है, ये इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है कि लेट जाती है. लेकिन जो उसका हस्बैंड रहता है उसको याद रहता है कि नहीं, इसके बाद मुझे कल 10 बजे सुबह ऑफिस पहुँचना है. शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. आप क्या करती हैं, जैसे मटिल्डा थकी परेशान से आती है, लेकिन जब भी हम पार्टी से आते हैं तो एक बार अपने आप को फिर से देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं ग्लास में, आईने में, तो वो भी जल्दी से रैप को निकाल के देखती है और खड़े होकर आईने के सामने देखती कि मैं कैसी दिख रही हूँ अभी भी. तभी जैसे वो ऐसा देखने के लिए करती है तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है. क्यों चिल्लाती है, क्योंकि वो जो नेकलेस, जो डायमंड नेकलेस रहता है वो अब उसके गले पर नहीं रहता है. का मतलब क्या होता है, क्या मटिल्डा का नेकलेस गुम जाता है, आगे मटिल्डा क्या करती है, इसके लिए हम आगे इसके पार्ट 3 को समझ